सुरंजन शांडिल हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैंने एक PIL फाइल की थी जनहित याचिका शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए, और आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें एक जनहित का फैसला देते हुए शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में खोलने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए हैं। मैं इसके लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए कहीं और PIL भी फाइल हो रखी थी, उसमें भी यही आदेश उसमें दिया गया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है PIL में कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में खोलने के दे दिए जाए। मैं हाई कोर्ट का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अंबाला के व्यापारियों को बचाया, अंबाला के सराफा ट्रेडर को बचाया, अंबाला के रेडी फड़ी वालों को बचाया, और हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का जो व्यापार चौपट था उसे खोलने की एक नई पहल की, अच्छी पहल की। और हरियाणा ये मध्य प्रदेश से नई चीफ जस्टिस आई हैं हमारे कल, उन्होंने कार्यवाल ऑथ लीगल सुशील नागू जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जनहित में सोचा और एक ऐसा फैसला दिया जिससे एक गति पकड़ेगा दोबारा व्यापार। और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि NH-44 लाइफ लाइन कहा जाता है उसको बंद किया गया था, उसको खोलने के शंभू बॉर्डर को ऑर्डर किए गए। इसके लिए मैं हाई कोर्ट का अपनी तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जी मैं वासु रंजन शांडिल हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैंने एक PIL फाइल की थी जनहित याचिका शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए, और आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें एक जनहित का फैसला देते हुए शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में खोलने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए हैं। मैं इसके लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए कहीं और PIL भी फाइल हो रखी थी, उसमें भी यही आदेश उसमें दिया गया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है PIL में कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में खोलने के दे दिए जाए। मैं हाई कोर्ट का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अंबाला के व्यापारियों को बचाया, अंबाला के सराफा ट्रेडर को बचाया, अंबाला के रेडी फड़ी वालों को बचाया, और हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का जो व्यापार चौपट था उसे खोलने की एक नई पहल की, अच्छी पहल की। और हरियाणा ये मध्य प्रदेश से नई चीफ जस्टिस आई हैं हमारे कल, उन्होंने कार्यवाल ऑथ लीगल सुशील नागू जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जनहित में सोचा और एक ऐसा फैसला दिया जिससे एक गति पकड़ेगा दोबारा व्यापार। और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि NH-44 लाइफ लाइन कहा जाता है उसको बंद किया गया था, उसको खोलने के शंभू बॉर्डर को ऑर्डर किए गए। इसके लिए मैं हाई कोर्ट का अपनी तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।